शीर्षक कल्पना के पंख यात्रा से परे सीमा। एक बार रोलिंग पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से शहर में ओलिवर नाम का एक युवा लड़का रहता था। अपनी असीम कल्पना के बावजूद ओलिवर एक शारीरिक अक्षमता के कारण व्हीलचेयर तक ही सीमित था। जबकि अन्य बच्चे दौड़ते और खेलते थे, वह अक्सर किनारे से देखता था, उनके कारनामों में शामिल होने के लिए तरस रहा था। हालांकि ओलिवर ने पाया कि उसकी कल्पना की शक्ति की कोई सीमा नहीं थी। एक धूप वाले दिन ओलिवर खुद को चमकीले फूलों, ऊंचे पेड़ों और जगमगाती झील से भरे एक पार्क में ले गया। जैसे ही वह एक पुराने ओक के पेड़ की छाया में बैठा, एक कोमल हवा ने पत्तियों को सरसराहट दी। दूर देशों की कहानियों को फुसफुसाते हुए और साहसिक पलायन करते हुए प्रेरित होकर ओलिवर ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी कल्पना को उड़ान भरने दिया। अपने मन की आंखों में उसने खुद को राजसी पंखों द्वारा उठाए गए आकाश के माध्यम से उड़ने की कल्पना की। प्रत्येक धड़कन के साथ वह महसूस कर सकता था कि हवा उसके चेहरे से गुजर रही है, उसे ऊंचा और ऊंचा उठा रही है। उन्होंने विशाल महासागरों की यात्रा की, ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ाई की और रहस्यमय जंगलों की खोज की। अपनी कल्पना में ओलिवर अपनी व्हीलचेयर की बाधाओं से मुक्त था, नई दुनिया की खोज कर रहा था और अपनी वास्तविक क्षमता को अनलॉक कर रहा था। अपनी कल्पना के दायरे में यात्रा करने की अपनी नई क्षमता से उत्साहित, ओलिवर ने अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करने का फैसला किया। उन्होंने अपने रेखाचित्रों और कहानियों को इकट्ठा किया। द विंग्स ऑफ इमेजिनेशन नामक पुस्तक में अपने कारनामों को एक साथ जोड़कर अपने सहायक परिवार और दोस्तों की मदद से ओलिवर ने अपनी पुस्तक प्रकाशित की और इसकी करामाती कहानियों ने युवा और वृद्ध पाठकों के दिलों पर कब्जा कर लिया। लोग उसके सजीव वर्णनों और असाधारण चित्रों पर अचंभित हो गए, क्योंकि उन्हें केवल ओलिवर के लिए जाने जाने वाले जादुई क्षेत्र में ले जाया गया था। अपनी पुस्तक के पूरक के रूप में ओलिवर के मित्रों ने एक यूट्यूब वीडियो बनाने का सुझाव दिया जो उनकी कहानियों को जीवंत करेगा। उन्होंने उसे एक चैनल स्थापित करने में मदद की जहां ओलिवर दर्शकों को लुभाने के लिए एनिमेटेड दृश्यों और मनोरंजक संगीत का उपयोग करके अपने रोमांच का वर्णन कर सकता था। प्रत्येक एपिसोड में ओलिवर ने अपने दर्शकों को साहसी खोज, काल्पनिक मुठभेड़ों और दिल को छू लेने वाली दोस्ती में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। अपने शब्दों और दृष्टांतों की शक्ति से उन्होंने आशा, साहस और विश्वास जगाया कि कल्पना किसी भी बाधा को पार कर सकती है। ओलिवर के यूट्यूब चैनल ने तेजी से एक समर्पित अनुयायी प्राप्त किया। दुनिया भर के दर्शकों ने टिप्पणी अनुभाग में अपनी कहानियों और प्रेरणाओं को साझा किया। कल्पना के पंख समावेशिता का प्रतीक बन गए, हर किसी को याद दिलाते हुए कि सपने उड़ान भर सकते हैं, तब भी जब शरीर जमी हो। जैसे जैसे समय बीतता गया, ओलिवर का चैनल बढ़ता गया और उसने अक्षमता के बारे में जागरूकता बढ़ाने, समझ और सहानुभूति को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग किया। वह सुलभता के हिमायती बन गए, समुदायों को समावेशी स्थान बनाने के लिए प्रेरित किया जहां हर कोई अपनी अनूठी कल्पनाओं का पता लगाने के लिए स्वतंत्र महसूस कर सके। ओलिवर की यात्रा उसके दिमाग में और उसके YouTube चैनल के माध्यम से उसे और अन्य लोगों को सिखाया कि कल्पना की शक्ति भौतिक सीमाओं को पार कर सकती है। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि सपने किसी व्हीलचेयर से भी ऊंचे उठ सकते हैं और यह कि सच्ची स्वतंत्रता किसी की कल्पना की असीम गहराई में निहित है।